हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनोकेटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो कैसे डिलीट किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों, बहुत भाई लोग बोलते हैं कि भैया हम डिलीट कर देते हैं, वो दोबारा अगेंस्ट से लॉग इन हो जाता है अगर हम लॉग इन करते हैं तो। ठीक, तो दोस्तों, इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ये कैसे डिलीट होता है, ये हमेशा लॉग इन अगर आप करते रहेंगे तो ये कैसे डिलीट होगा। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इंस्टाग्राम हमेशा के लिए डिलीट कैसे करते हैं। ठीक, तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, चलिए हम आपको अच्छे से समझाने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। दोस्तों, आप अगर इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, यदि आप अपने अकाउंट अपने फ़ोन में ढेर सारा अकाउंट बना के रखा है तो उसको डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट किया जाता है आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। एंड दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम को अकाउंट कैसे करते हैं इसे हम बताते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि ये ओरिजिनल अकाउंट है मेरा। ठीक, अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने फेक अकाउंट में। ठीक, जो आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमेशा के लिए डिलीट किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों, ये रहा मेरा फेक अकाउंट। एंड दोस्तों, ये मेरा फेक अकाउंट ओपन हो चुका है। एंड अब आपको सिंपली अपने प्रोफाइल में चले जाना है। ठीक, तो प्रोफाइल में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है। दोस्तों, ये जो थ्री लाइन का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली हेल्प वाले पे ऑप्शन पे, ये जो दिख रहा है ना, आपको हेल्प वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक रिपोर्ट प्रॉब्लम, एंड दूसरा है हेल्प सेंटर, एंड तीसरा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प, एंड फोर्थ नंबर वाला है दोस्तों सपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक, आपको सेकेंड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हेल्प सेंटर पर। ठीक, ये वाला, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली ये जो थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इंस्टाग्राम फीचर्स, मैनेजर अकाउंट, स्टेइंग सेफ, प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग, एंड टर्म्स एंड पॉलिसीज़। ठीक, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिंपली दोस्तों ये मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिंपली ये डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है, आप डिलीट अकाउंट करना चाहते हैं तो। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक, स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों, अब आपको डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डिलीट, उसके बाद आपके अकाउंट का यूजर नेम लिखा रहेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों, ये कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, जो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट आप किस लिए डिलीट करना चाहते हैं, ये आपको रीजन देना है। ठीक, तो मैं किस कारण से इंस्टाग्राम डिलीट कर रहा हूँ, ठीक, इसीलिए आपको कोई सा भी एक रीज़न दे देना है। तो जैसे कि दोस्तों, आप मान लीजिए मैं कोई भी एक रीज़न दे रहा हूँ, जैसे कि ट्रबलिंग गेटिंग स्टार्टेड एंड समथिंग एल्स, आप कोई भी एक रीज़न दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे पासवर्ड इस अकाउंट का दीजिए, जो आपका अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं ना, यही वाला अकाउंट दे दीजिए। ठीक, तो दोस्तों, मैं सिंपली अकाउंट को पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक, सो दोस्तों, मैंने फाइनली पासवर्ड यहाँ पे दे दिया है। एंड उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद अकाउंट का यूजर नेम आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से ये डिलीट हो चुका है। एंड दोस्तों, अगर आप इसे दोबारा लॉगिन करेंगे 30 दिन के अंदर तो ये लॉगिन हो जाएगा, अगर 30 दिन के बाद लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इसी तरह से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, अगर आप 30 दिन के अंदर दोबारा लॉगिन करते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से लॉगिन हो जाएगा, एंड फिर से आपको डिलीट करना होगा। फिर से अगर 30 दिन के बाद अगर लॉगिन करते हैं तो ये नहीं होगा। अगर आप दोबारा रिकवर करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगा, अगर 30 दिन के बाद अगर लॉगिन करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, एंड अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता है।